नोटबंदी से अभी लोग ढंग से उभर भी नहीं पाए कि यूपी के चुनावों में खुलेआम नोट बरस रहे हैं। नेता और उनके समर्थक चुनाव प्रचार में नोटों की ऐसी गर्मी दिखा रहे हैं कि प्रत्याशियों पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के डंडे का ख्याल आया तो सहारनपुर में यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने अपने ही समर्थक को भरी सभा में डांट दिया। वहां तो नारा ही लग रहा है, जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, जिसकी जेब खाली पागल कहीं का। समर्थक ने उड़ाए नोट और गुस्से से आग बबूला हो गए नेताजी। ये तस्वीर है सहारनपुर की बेहट विधानसभा की, जहां यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद अपने ही समर्थक पर भड़क गए क्योंकि उनकी जनसभा में समर्थक ने उड़ा दिए नोट। दरअसल इमरान मसूद बेहट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सैनी के कैंपेन में पहुंचे थे। सभा के मंच से विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने इतना ही बोला था कि जिसके पास नोट है उसके पास सब कुछ है। तभी एक समर्थक ने अपनी जेब से नोट निकाले और इमरान मसूद के ऊपर उछाल दी। नेताजी को आचार संहिता का हंटर याद आया तो फौरन तमतमा गए। वहां तो नारा ही लग रहा है, जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, जिसकी जेब खाली पागल कहीं का। अब जरा चुनाव में नोटों की गर्मी की एक और वानगी देखिए। नगाड़े की ताल पर दनादन उछाले जा रहे हैं लोग, जोश में डांस कर रहे हैं समाजवादी टोपी लगाए कार्यकर्ता और दोनों हाथ से लुटा रहे हैं नोट। तस्वीर है यूपी के अमरोहा की। अमरोहा में बाहुबली विधायक और एसपी सरकार में कद्दावर मंत्री महबूब अली अपने लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन के लिए निकले तो उनके समर्थकों ने जमकर नोट लुटाए। इतना ही नहीं, महबूब अली को उनके समर्थक कंधों पर उठाकर कलेक्ट्रेट तक ले गए। कार्यकर्ताओं का जोश अपनी जगह है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नोट उड़ाने की ये तस्वीरें महबूब अली को मुश्किल में डाल सकती हैं। पूरे नामांकन प्रक्रिया को कवर करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो सर्विलांस टीम को लगाया गया था। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, उल्लंघन होने पर एफआईआर कराई जाएगी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि महबूब अली के समर्थक जमकर ढोल नगाड़ों के ताल पर थिरक रहे हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में ही नोट उड़ा रहे हैं। महबूब अली के खिलाफ इस वीडियो सबूत को आधार मानकर चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। अमरोहा से राजीव शर्मा के साथ खालिद हसन, इंडिया टीवी, सहारनपुर।